दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय से अगर आप भी पार्ट टू का एग्जाम दिए, आपके कोई रिलेटिव पार्ट टू का एग्जाम दिए तो उनका रिजल्ट यहां पर जारी कर दिया गया। उनका मार्कशीट आप बहुत ही आसानी से आप अपने मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको कैसे डाउनलोड करना इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लेते हैं तो पार्ट टू के किसी भी संकाय का मार्कशीट आप बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं। लेकिन वीडियो कंटिन्यू इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए लगातार इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको सर्च बॉक्स में चले जाना और सर्च बॉक्स में जाने के बाद आपको लिखना है BNMU लिख करके सर्च कर लेना। जैसे BNMU लिख करके सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद आपके सामने जो सबसे पहला वेबसाइट आएगा, इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। और जैसे इसे ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। का इंटरफेस आने के बाद आपको स्टूडेंट पोर्टल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना और जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले आपको स्टूडेंट लॉगिन करना है। स्टूडेंट लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको अपना यूजर आईडी डालना है, उसके नीचे आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना। पासवर्ड डालने के बाद अब आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। तो चलिए हम अपना डिटेल्स यहाँ पर फिल कर लेते हैं। डिटेल्स फिल करने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करते हैं, लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो कर जाएगा। आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेना। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएंगे डाउनलोड रिजल्ट का। अब आपको सिंपली डाउनलोड रिजल्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और जैसे डाउनलोड रिजल्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें पहला है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर का और दूसरा है सेकेंड ईयर का। अब आपको अगर सेकेंड ईयर का डाउनलोड करना है तो सेकेंड ईयर वाले पर आप इसे नीचे की तरफ इस तरीका से साइड स्क्रॉल करेंगे और साइड स्क्रॉल करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पर डाउनलोड का। अब आपको सिंपली डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है। अब आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये PDF आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि आपका मार्कशीट डाउनलोड हो चुका है। सबसे पहले आपको यहाँ पर कैंडिडेट नेम मिला लेना है, फादर्स नेम मिला लेना और यहाँ पर आपका अपना सब्जेक्ट मिला लेना है। सब्जेक्ट मिलाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चलिए हम आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका सारा मार्क्स यहाँ पर शो कर जाएगा और यहाँ पर आपको शो करेगा पास विद ऑनर्स, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 339 है। तो इस तरीका से आप अपना पार्ट टू का मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद अब आप बहुत ही आसानी से आप अपना मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और वीडियो से कुछ भी सीख मिला तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प हो सके। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।